नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। सुन लो मियां खान, खंड खंड होगा पाकिस्तान। जी हां, इमरान सरकार के गिने चुने दिनम बचे हैं। एक तरफ पीडीएम और दूसरी तरफ पीटीएम, यानी कि पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट। रविवार को उत्तर वजीरिस्तान में विशाल प्रदर्शन हुआ। पिछले 10 साल में दो प्रांतों खैबर पख्तून और बलूचिस्तान से 30,000 लोग लापता हैं। इसके खिलाफ मिरान शाह में कल लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतरे और यहां पर प्रदर्शन किया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में विशाल प्रदर्शन कल किया गया और पिछले 10 साल में करीब 30,000 लोग यहां पर लापता हुए हैं। अब लोगों ने कह दिया है और बर्दाश्त नहीं, सड़कों पर उतरे लोग और मुसीबत में इसी के साथ अब इमरान सरकार। तो मानवाधिकारों का उल्लंघन बीते काफी वर्षों से यहां पर किया जा रहा है और इसीलिए अब जनता सड़कों के ऊपर है। विशाल प्रदर्शन कल की तारीख में हमने देखा यहां पर हुआ है। हजारों लोग यहां से लापता बीते 10 सालों में हो चुके हैं। अब इमरान खान का विरोध हो रहा है। Дай да ме разпрежда, дайте сината ми да тича реши, дай ваше ахлако, дайте сина да дикай, да ракя тича реши, да сина подавар зонце, дай лекарайли, партайли, да, даде вазрестанче подумили карите да я хасави, даде вазрестанче подумили чекави, да пожон я хасави, ми же вестеш да дамо дарбаяки. तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में विशाल प्रदर्शन लोगों की तरफ से यहां पर किया गया। मानवाधिकार का उल्लंघन और बीते कई साल में पाकिस्तान यहां पे बसे हुए लोगों के ऊपर ज्यादती कर रहा है। अब लोग सड़कों के ऊपर उतर आए हैं। इमरान सरकार के लिए ये एक नई मुसीबत है। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर तो लोग सड़कों के ऊपर है ही, तमाम विपक्षी दल जो है वो एकजुट हो चुके हैं। हर तरफ से ये मांग कि इमरान खान को गद्दी से उतारो। अब बड़ी खबर, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी ये विरोध इमरान खान का दिखाई दे रहा है। और मेरे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, कमर आगा जी, बहुत स्वागत है आगा साहब आपका। और ये जो लगातार हम देख रहे हैं इमरान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है, मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगातार पाकिस्तान के ऊपर लगता रहा है, इसी के साथ अब खैबर पख्तूनख्वा में सर और बलूचिस्तान में भी विशाल प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। देखिए, काफी दिनों से वहां पे चल रहा है। इमरान खान की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। वो किसी भी चीज को कंट्रोल करने में असमर्थ रही है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो, वहाँ की इकोनॉमी की बुरी हालत है। अब उनको $2.5 बिलियन की और जरूरत है, जो कि वो चाइना से उधार मांग रहे हैं। फिर उसके अलावा पॉलिटिकल सिचुएशन, जैसा आपने बताया, पूरे मुल्क की बहुत खराब है। सिंध के अंदर रोज डिमॉन्स्ट्रेशन बराबर हो रहे हैं। फिर उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में तहफ़ पश्तून तहफ़ मूवमेंट जो है वो काफ़ी पावरफुल हो गया है। बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट मूवमेंट दोबारा से बहुत सक्रिय है। और यही नहीं, पंजाब में लोग खुश नहीं है। वहाँ पर नवाज शरीफ ने इनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया है लंदन से बैठ के जी। और हालत ये हो गई कि आर्मी को अब मरियम नवाज शरीफ से बात करनी पड़ रही है। हाँ। उनसे बात कर रही है, तो इन हालात में वो चला नहीं सकते। दूसरी बात ये भी कि जो भी पावर में आएगा इस वक्त मुल्क को कोई नहीं चला सकता। हाँ। इतनी बुरी हालत हो चुकी है मुल्क की। ये नहीं कि इमरान खान की गवर्नमेंट फेल हो गई, आर्मी की जो नीतियां थी वो भी फेल हो चुकी है। जिस तरीके आगा साहब मुझे एक बात बताएं, ये पूरा मूवमेंट जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, ये किस ओर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? इसके आगे इमरान खान की क्या गत होगी, पाकिस्तान किस ओर जाएगा? अरे, इमरान खान के तो दिन नंबर है, कभी भी जा सकते हैं। दूसरा जो आएगा वो भी नहीं चला सकता। पाकिस्तान अराजकता की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये जिस समय समस्याएं हैं उसका समाधान सेना के पास नहीं है, जो सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति है। उसको बदलाव की जरूरत है, वो बदलने पे तैयार नहीं, वो पॉलिटिकल पावर देने पे तैयार नहीं है किसी को। हाँ। और
दूसरी तरफ ये है कि पॉलिटिकल लीडर कोई नहीं है मुल्क के अंदर, जितने भी हैं वो सब छोटे छोटे लीडर्स हैं, कोई करिश्मेटिक लीडर नहीं है जो संभाल सके इस समस्या को। बिल्कुल, तो अभी आगे आने वाले वक्त में न ये समस्या सुलझती हुई दिखाई दे रही है और न ही पाकिस्तान का भला होता हुआ। बहुत शुक्रिया आगा साहब जुड़ने के लिए मेरे साथ। उधर गिलगित बाल्टिस्तान में हार के करीब इमरान खान पहुंच चुके हैं। आपको पता होगा कल किस तरह से यहां पर चुनाव कराए गए। अब बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि गिलगित बाल्टिस्तान में इमरान खान अब हार के करीब पहुंच चुके हैं। इमरान खान की पार्टी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, सबक सिखाया गया है। आगे यहां पर फिलहाल बिलावल भुट्टो की पार्टी चल रही है। गिलगित बाल्टिस्तान में बढ़त मिली हुई है। बाल्टिस्तान ने मारा इमरान के मुंह पर तमाचा। सुनो इमरान, गिलगित में भारत माता का जयगान। गिलगित ने दिया करारा जवाब। बाल्टिस्तान ने किया इमरान का प्लान खराब। मियां नियाजी को अब मुंह छिपाने की नहीं मिल रही जगह। इमरान के हर पैतरे का गिलगित बाल्टिस्तान की जनता ने दिया करारा जवाब। हम 2-15 नवंबर में जो इलेक्शन हो रहे हैं, हम उनका बायकॉट कर रहे हैं। अगर ये बेटियां पढ़ेंगी, इनके बच्चे कल कुछ और हासिल करेंगे, आप लोगों के लिए ये मुसीबत बन जाएगी, इसलिए आप लोगों ने ये स्कीम खत्म कर दी गई। गिलगित बाल्टिस्तान को अवैध तरीके से पाकिस्तान ने 5वें प्रांत का दर्जा दिया और चंद दिन बाद ही चुनाव कराने का ढोंग भी किया, लेकिन जनता ने इमरान खान को माकूल जवाब दिया है। चुनावों में इमरान खान की पार्टी को हार के करीब धकेल दिया है। जो दौर जो आप लोग समझते हो कि हम डंडे के जरिए से, जुल्म के जरिए से, जबर के जरिए से हम इनको दबाएं, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। चालबाज चीन के इशारे पर दिखावे के लिए कराए जा रहे चुनावों में जनता ने इमरान खान को सबक सिखाया है। बड़ी आबादी ने खुद को चुनावों से दूर रखा है और जो चुनाव प्रक्रिया में शामिल भी हुए उन्होंने भी इमरान खान के मुंह पर तमाचा मारा है। हम पाकिस्तान के आईनी हिस्सा नहीं है, हम उनका बाकायदा हिस्सा नहीं है, और आप जानते हैं कि हमारे ऊपर पाकिस्तान का आईन बराए रास्त इतलाक नहीं करता। जो हमारे असीरान जिनको पिछले 10 सालों से मुकैद कर रखा हुआ है, उसके पीछे कोई लॉजिक मौजूद नहीं है। जब गिलगित बाल्टिस्तान की जनता खुद को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानती, जब जनता ही कह रही है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, तो फिर पाकिस्तान ने किस हैसियत से चुनाव कराए हैं और चुनावों में गिलगित बाल्टिस्तान के स्थानीय नेताओं को क्यों हिस्सा नहीं लेने दिया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये जो डर है कि भारत पाकिस्तान के 3 हिस्से बनाना चाहता है या बना सकता है, ये मुझे लगता है उनका अपना मानसिक खौफ है। गिलगित बाल्टिस्तान हिंदुस्तान के दिल में बसता है और गिलगित बाल्टिस्तान के दिल में बसा है तिरंगा और नरेंद्र मोदी। गिलगित बाल्टिस्तान के दुश्मन नंबर 1 है इमरान खान और उनके यार बाजवा। यहाँ इमरान और बाजवा की हर चाल का विरोध हो रहा है। इमरान और बाजवा को भी डर है कि मोदी का अखंड भारत बनेगा तो गिलगित बाल्टिस्तान से कब्जा छोड़ना ही पड़ेगा, और गिलगित की जनता ने जवाब देकर ये बता दिया कि पाकिस्तान की चालबाजियों के दिन हवा हुए और जल्द ही गिलगित बाल्टिस्तान की फिजाओं में तिरंगे की खुशबू महकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गिलगित बाल्टिस्तान की जनता ने तो
इमरान खान को नकार ही दिया है। इसके अलावा भारत ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव पर भारत का बयान सामने आया, अवैध कब्जा खाली करे पाकिस्तान, ये भारत की तरफ से कहा गया है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर के पूरा पीओके भारत का हिस्सा है। अब भारत ने यह कहा है कि अवैध कब्जा जो कर रखा है पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर, वो उसे खाली करे। गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। एमईए ने कहा है कि ये जो पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है और अब उसे प्रांत का दर्जा देकर के वो गिलगित बाल्टिस्तान को अपने खाते में जो जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है उसके ऊपर ये बड़ा बयान, खाली करो अवैध कब्जा, गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है, पूरा पीओके हमारा है। अमित शाह हमारे गृह मंत्री पहले ही इस बात को सदन में स्पष्ट कर चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये, गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव करा करके पाकिस्तान जो गंदी राजनीति कर रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान को मिलाने की कोशिश जो खुद के अंदर कर रहा है, अब भारत ने कहा है ये तुम्हारा अवैध कब्जा है, गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है, पूरा पीओके भारत का है, न सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान, पूरा पीओके भारत का हिस्सा है। और भारत ने कहा है अपने इस अवैध कब्जे को खाली करो, गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग। एमईए की तरफ से ये बड़ा बयान इस वक्त का सामने आया है। तो चुनाव करा करके अगर ये सोच रहे हैं मियां इमरान कि वो जीत जाएंगे और गिलगित बाल्टिस्तान पर अपना कब्जा जमा लेंगे तो वो गलत सोच रहे हैं। भारत की तरफ से बड़ा बयान सामने आया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अवैध कब्जा करार दिया है पाकिस्तान का, ये गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा जो उसे खाली करना होगा। तो आतंक के आका इमरान और उनके मुल्क आतंकिस्तान के पापों का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका है। पूरी दुनिया पाकिस्तान का असली चेहरा देख चुकी है और पाकिस्तान के दुलारे आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए पूरा विश्व एकजुट है। इमरान के आतंकियों को हिंदुस्तान ढेर कर रहा है, तो वहीं अफगानिस्तान ने भी ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। कट गया जवाहिरी का दाहिना हाथ, इमरान ईरान दे रहे हैं अलकायदा का साथ, अफगानिस्तान ने भी किया आतंक पर आघात। पाकिस्तान के पापों का अंत होने वाला है, आतंकिस्तान से आतंकियों के आकाओं का खात्मा होने वाला है। पूरी दुनिया अब एकजुट हो गई है और इमरान के दुलारे आतंकियों पर एक साथ प्रहार कर रही है। कई दशक तक आतंकी आग में झुलसते रहे अफगानिस्तान से आतंक का अंत होने वाला है। तालिबानी कमांडो को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अफगानी सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ आखिरी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान की सरकार की माने तो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने 70 तालिबानी कमांडर्स को ढेर किया है। सभी आतंकवादियों को हेलमंड और कंधार में मारा गया है। इसके अलावा पाकिस्तान से आए 152 आतंकवादियों को भी सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान में ढेर कर दिया है। बीते दिनों पाकिस्तान के दुलारे आतंकी मोहम्मद हनीफ को भी अफगानिस्तान में ढेर कर दिया गया था। इधर पाकिस्तान अब ईरान से प्यार की पींगे बढ़ा रहा है और दोनों मिलकर अलकायदा को पाल पोस रहे हैं, लेकिन अब आतंकवादियों से इमरान की मोहब्बत दुनिया के सामने आ गई है। अब आतंकियों का अंत करने के लिए इजराइल ने भी कमर कस ली है। ईरान की हसन रूहानी सरकार ने इमरान खान के इशारे पर अलकायदा के नंबर 2 अबू अल मासरी को सरकारी मेहमान बना रखा था। $50 लाख के इनामी आतंकी को ईरान और इमरान मिलकर पाल पोस रहे थे, लेकिन अब मासरी 72 हूरों के पास पहुंच गया है। मोसाद के एजेंट ने तेहरान में अबू अल मासरी को मार गिराया। इस आतंकी ऑपरेशन को भीड़ भरे बाजार में अंजाम दिया गया। अबू अल मासरी के साथ रह रही ओसामा की बहू भी इस ऑपरेशन में मारी गई। अबू अल मासरी 1998 में नैरोबी में अमेरिकन एम्बेसी पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था और 22 साल से अमेरिका इस खूंखार आतंकी को तलाश कर रहा था। पाकिस्तान के कहने पर ही ईरान ने मासरी को अपने घर पर रखा था, लेकिन पाकिस्तान की कोई चाल अब कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान के दुलारे आतंकवादी अफगानिस्तान में ढेर हो रहे हैं। अमेरिका और फ्रांस के बाद अब इजराइल भी अलकायदा को खत्म करने में जुट गया है।
इधर भारत भी पाकिस्तान को पस्त कर रहा है। दिवाली से ठीक पहले पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को भारत में घुसाने की कोशिश की थी, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान को मालूम है कि उसकी इस हरकत का जवाब भारतीय सेना जोर तोड़ से देगी। गंदे खेल खेल कर इमरान खान अगर अपनी कुर्सी बचाना चाहता है तो इमरान खान बहुत बड़ी गलत फहमी में है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को तो खात्मा किया ही, साथ ही सीज फायर उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान के बंकर भी तबाह कर डाले। यानी पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर चुका है। इमरान और बाजवा की हर चाल फेल हो रही है। पाकिस्तान और उसके प्यारे आतंकवादियों का सर्वनाश होना अब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए और इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।